लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ का आज दौरा है। राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कंकरखेड़ा के मार्शल पिच पर ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन कार्यक्रम है। पीएम मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। 148 करोड़ की लागत से इस अस्पताल का निर्माण होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पश्चिमी यूपी को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मेरठ से इसकी शुरुआत होगी। 148 करोड़ की लागत से ईएसआई अस्पताल का निर्माण होगा और उसके निर्माण के लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात। राज्य बीमा अस्पताल की भूमि पूजन का आज कार्यक्रम है। कंकरखेड़ा के मार्शल पिच पर ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 148 करोड़ की लागत से इस ईएसआई अस्पताल का निर्माण होना है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तमाम वहां पर तैयारी की जा रही है। सुरक्षा दृष्टि से वहां पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो अस्पताल है वो कई मायनों में स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ईएसआई अस्पताल है। ऐसे में आप देखते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी है उसे एक बड़ा फायदा मिलेगा इस अस्पताल के निर्माण होने से। तो ऐसे में इसकी जो लागत है वो 148 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि 148 करोड़ की लागत से इस ईएसआई अस्पताल का निर्माण होगा और आज इसकी नींव रखी जाएगी, भूमि पूजन किया जाएगा। तो पीएम मोदी भी इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि आज भूमि पूजन होगा और इस भूमि पूजन के बाद ही निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा और ऐसे में यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस अस्पताल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो सके, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था में ये अस्पताल अपनी बेहतर भूमिका निभा सके। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ का दौरा अहम माना जा रहा है और क्योंकि भूमि पूजन है इस अस्पताल के लिए, भूमि पूजन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे ही, साथ ही साथ पीएम मोदी के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। बताते चले कि राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और बताया जा रहा था कि 2 बजे तक का ये कार्यक्रम है, यानी कि 2 बजे भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तमाम तैयारी जो है वो की जा चुकी है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के वहाँ पर तमाम जो इंतजाम है वो भी कर लिए गए हैं। ऐसे में इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है और इस अस्पताल की अपने आप में कई विशेषताएं हैं क्योंकि आप देखते हैं कि ईएसआई अस्पताल जो होता है उसमें अब जो कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं आसानी से इलाज कम खर्च में इलाज जो है वो करा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो ईएसआई अस्पताल है जिसका भूमि पूजन आज किया जाएगा और 148 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे अस्पताल के निर्माण का, इस पूरे अस्पताल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा होगा। ऐसे में सोचो इतनी बड़ी लागत से ये अस्पताल बन रहा है तो बहुत सारी विशेषताएं इस अस्पताल की हैं और कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी की ओर से एक कदम मान सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बेहतर कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेरठ से। अतुल, जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह की तैयारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। देखिए अर्चना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले अगर बात की जाए तो प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। सड़कों की अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहां पर पुलिस व्यवस्था मुस्तैद की गई है, चारों तरफ पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं जिसके चलते किसी भी तरह से यहां पर रोड जो है वो ट्रैफिक जाम ना हो पाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन
यहाँ पर शिलान्यास करने जा रहे हैं। वर्चुअली तौर पर अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री 12:30 बजे जुड़ेंगे, आधे घंटे तक प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे मेरठ के हवाई पट्टी पर पहुंचकर और लगभग 2:35 तक मेरठ में रहेंगे। कहा जा सकता है जिस तरह से आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, कार्यक्रम से पहले अगर बात की जाए तो प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आने लगा है कि एसआई अस्पताल का शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले मेरठ वासियों के लिए बड़ी सौगात है, और बड़ी सौगात की अगर बात की जाए तो बेहद जो लोग हैं वो खास खुश हैं, क्योंकि एसआई अस्पताल की अगर बात की जाए, देखिए जो रिटायर कर्मी हैं उनके परिवार के लोगों के उपचार की बात हो या फिर जो कर्मचारी हैं उनके उपचार की बात हो, उनके लिए विशेष तौर पर यह सौगात दी जा रही है। जिनके परिवार के लोग भटकते रहते हैं जिला अस्पताल से लेकर के मेडिकल अस्पताल में, कहीं ना कहीं जगह नहीं मिल पाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एसआई अस्पताल बनने के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल। और जरा अतुल ये भी बताइए कि इस अस्पताल की क्या विशेषताएं रहने वाली हैं, क्योंकि 148 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बनकर तैयार होगा, तो ऐसे में लोगों को क्या सुविधाएं इस अस्पताल से मिलेंगी? बात की जाए, विशेष अस्पताल बनाया जा रहा है, 100 बेड का ये अस्पताल होने वाला है, ऑक्सीजन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अस्पताल को लेकर के, मेरठ में मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जगह जगहों पर पीएससी और सीएससी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पहले से ही चाक चौबंद स्वास्थ्य की व्यवस्था है, लेकिन ईएसआई जो यहाँ पर कर्मी है, जो कर्मचारी है, उनके बिल्कुल बिल्कुल उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा सकता है अतुल, क्योंकि देखिए जिन कर्मचारियों का ईएसआई कटता है कहीं ना कहीं उन्हें स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। ऐसे में ये अस्पताल अगर यहां पर बन जाता है तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि ईएसआई अस्पताल नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना उन कर्मचारियों को करना पड़ता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, ऐसे में जितना वो इलाज कराते उससे ज्यादा तो खर्च उनके आने जाने पर होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात वासियों के लिए। अतुल आवाज आ रही है आपको? लेकिन जरा अतुल ये भी बताइए कि इस अस्पताल के बनने से और कौन कौन से जिले हैं जो हैं जिन्हें फायदा मिल सकता है स्वास्थ्य के लिए? के कर्मचारियों के लिए इस अस्पताल का फायदा मिल सकता है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए जिस तरह से अस्पताल बनकर के तैयार हो रहा है, 100 बेड से ज्यादा का ये अस्पताल है, और उसके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर विशेष आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो उपयोग की जाएगी, जिसके चलते ईएसआई के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनका उपचार यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सके, व्यवस्थाओं के साथ किया जा सके, क्योंकि कहा जा सकता है कि लगातार ईएसआई से इलाज कराने के लिए लोगों को दूर दूर भागना पड़ता है। लेकिन मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में जिस तरह से आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईएसआई कर्मचारी सभी कर्मचारियों में हर्ष और उल्लास का दिन है, और दूसरी तरफ दिवाली से पहले ये बड़ी सौगात मेरठ वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।